और जैसा कि निक्की को टीवी देखने का बहुत शौक है, टीवी में नाटक देखने का, तो इसके फेवरेट नाटक आ रहा है, तो ये बिजी है नाटक देखने में। हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉक में। तो जैसा कि शाम के लगभग 6:30 हो चुके हैं और इधर धर्मपत्नी जी ने देख सकते हैं सब्जी काट के रखी हुई है, शाम के खाने की पूरी तैयारी चल रही है और आज सब्जी बननी है लौकी की। तो जैसा कि हमारे घर में ही लौकी लगी हुई है बहुत सारी, तो लगभग एक आध दिन छोड़ के लौकी ही बनती है, तो आज भी लौकी ही बन रही है, देख सकते हैं सब्जी काट के रखी हुई है। और इधर लेटा हुआ है रोज़ की तरह कोको, देख सकते हैं एकदम मस्त होके लेटा हुआ है, क्योंकि ये दिन भर सोया रहता है, कुछ खाता भी नहीं है और रात को खोल देते हैं तो फिर घूमता रहता है, खेलते रहता है। और इधर देख सकते हैं अमरूदों की बरसात हो रही है, देख सकते हैं नीचे अमरूद ही अमरूद पड़े हुए हैं। वो थोड़ी देर पहले धर्मपत्नी गई थी ऊपर पेड़ में लौकी तोड़ने, तो वहीं से उनने जो भी अमरूद ज़्यादा पक गए थे या ख़राब हो रहे थे वो सारे तोड़ के नीचे फेंक दिए हैं, तो अब इसको बटोर के लक्ष्मी को देंगे। और ये है हमारी लक्ष्मी और ये है लल्लू, देख सकते हैं काफ़ी उमस हो रही है, इनके वहाँ भी काफ़ी गर्मी हो रही है, तो इनको हम दिन में बाहर नहीं बांधते हैं, सुबह ही बाहर बांधते हैं, फिर उसके बाद अंदर बांध देते हैं, तो ये अंदर ही रहते हैं क्योंकि इधर काफ़ी धूप आ जाती है दोपहर बाद, तो बाहर बांधने लायक नहीं होता, तो अब इनको हम कल सुबह ही बाहर बांधेंगे। ये लल्लू देख सकते हैं, ये मुझे देखते ही एकदम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये सोचता है जब भी मैं आता हूँ कि कुछ ना कुछ खाने के लिए लाया होगा, क्योंकि मैं इसको कुछ ना कुछ देते रहता हूँ। और लक्ष्मी तो आराम से खड़ी हुई है अभी, हाँ प्रिय बेचारी गर्मी से। और ये लगाए हुए हैं अरबी के पेड़, देख सकते हैं बरसात होने से ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये पिताजी जा रहे हैं लक्ष्मी के वहाँ धुआं लगाने के लिए, क्योंकि शाम को मक्खी मच्छर काफ़ी हो जाते हैं और बरसातों के बाद तो काफ़ी मच्छर और कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए पिताजी शाम को धुआं जरूर लगाते हैं लक्ष्मी के वहाँ। और देख सकते हैं वो नीचे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो उसको भी साफ़ कर रहे हैं, अमरूद अमरूद जो गिरे हुए हैं अभी। तो आज दिन भर काफ़ी गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा उमस थी, क्योंकि सुबह सुबह आज धूप आ गई थी बहुत ही कड़क वो भी, तो अभी थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं और थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया, हवा तो अभी भी बंद है। ये देख सकते हैं इस समय शाम का नज़ारा कुछ ऐसा हुआ है, आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं और ये सूरज देवता हैं, धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं और अभी बादलों के बीच में से ताका झांकी कर रहे हैं हल्का हल्का, और खेतों में पानी चमक रहा है। और यहाँ पिताजी जो अमरूद फेंके थे ऊपर से उनको इकट्ठा करने लग गए, अभी ये धीरे धीरे इकट्ठा कर देंगे, अगर मैं कहूँगा कि मत करो अभी हम थोड़ी देर में इकट्ठा कर लेंगे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि जो इन्हें करना है तो वो करना ही है, तो अपने आप करते हैं। तो पिताजी छोटे मोटे काम करते रहते हैं, इससे उनका मन भी लगे रहता है और टाइम पास भी होता है, नहीं तो वो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए अगर हम उनसे कहते भी हैं कि मत करो हम करेंगे तो वो मानते नहीं हैं, वो जब तक वो काम को पूरा नहीं कर लेंगे, तो वो अभी सारे अमरूद उठाएंगे वो और उसको खुली में डालेंगे वो, फिर उसके बाद लगाएंगे धुआँ। और इधर रखा हुआ धान का कट्टा, तो ये भी अभी मुझे चक्की में ले जाना है, तो थोड़ी देर बाद चलते हैं चक्की में। और गर्मी देख सकते हैं कितनी हो रही है, मैं पूरा लगभग भीग चुका हूँ पसीने से। और ये है हमारा छोटा सा लॉन, तो देख सकते हैं इसमें भी धूप काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ये भी कटिंग मांग रही है, तो एक आध दिन में जैसे टाइम मिलता तो इसमें भी कटिंग करेंगे, क्योंकि बरसात हो रही है तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है ये। और ये भिंडी के पेड़ हैं, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी भिंडी लग रही है, और जब से पेड़ लगाए हैं तो लगातार ही भिंडी लग रही है इसमें, तो बरसात होने से ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। और इधर मक्के के पेड़ हैं दो चार, ये तो इनमें भी मक्के लग चुके हैं, और इधर तो हमने कुछ लगाया नहीं, घास ही हो रहा है, तो घास काट के खिला रहे हैं लक्ष्मी को, क्योंकि मुझे इस बार टाइम नहीं मिल पाया था इसीलिए ये थोड़ा सा बंजर रह गया, नहीं तो इसमें भी अभी जैसे ही आपको मक्के के पेड़ देख रहे हैं इसी तरह इसमें मक्के के पेड़ लहलहा आए होते और भुंटे लगे होते उसमें अच्छे खासे, लेकिन इस बार ये बंजर ही रह गया, पिछली बार से तो इसमें हम पूरे मक्के लगा देते थे। और ये सूरजमुखी के पेड़ हैं, तो ये भी अब सूख गए हैं लगभग, देख सकते हैं, तो इनका भी सीज़न अब ऑफ हो गया है, तो इनको भी उखेड़ना है, तो जिस दिन भी टाइम मिलेगा उस दिन इनको उखेड़ के साफ़ सफाई करनी है। एक पेड़ ये है, देख सकते हैं लगभग चारों पेड़ सूख चुके हैं, ये देख सकते हैं छोटे मोटे हल्के फुल्के फूल आ रहे हैं और बाकी तो सूख ही चुके हैं ये।
बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो जिस दिन भी टाइम मिलता है तो ये सारा काम करना है। सारे पेड़ पाड़ जो भी सूख रहे हैं, जो भी घास फूस हो गया बहुत सारा, तो उसको सारा कटिंग मारनी है, उनको उखेड़ के साफ़ सफाई करनी है। और ये है हमारे घर के बाहर की सड़क, देख सकते हैं ये हमारी बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाहर से हमने काफ़ी फूल के पेड़ लगाए हुए हैं, तो इधर भी काफ़ी घास जम चुकी है, थोड़ी सी तो मैंने आज कटिंग मारी है, देख सकते हैं हल्की हल्की, तो इधर भी साफ़ सफाई करनी है। और जो भी धूप रोड तक आ गई है तो इसको छिल के बढ़िया से इसकी फिनिशिंग करनी है, और ये साइड भी सारी साफ़ करनी है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो रही है, तो पूरी रोड में लगभग घास आ चुका है, तो इसको बढ़िया से साफ़ करना है, और इसको हटाकर एक साइड में डाल देंगे कहीं। तो इस तरफ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा हो रहा है, देख सकते हैं। तो जब भी टाइम मिलता है तो ये सारे काम करने हैं साफ़ सफाई के, क्योंकि घर के बाहर साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मन को सुकून देती है। अगर आप बाहर से थके हारे आते हैं तो जैसे ही घर में पहुंचते हैं, अगर वहाँ साफ़ सफाई रहती है बढ़िया से घर के बाहर से, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, और जो सारी थकान होती है वो कहीं भाग जाती है अच्छा सा नज़ारा देखकर। तो जब भी टाइम मिलता है तो ये सब मुझे करना है, साफ़ सफाई का काम। इधर पिताजी ने देख सकते हैं सारे अमरूद इकट्ठे कर दिए हैं और धो धो के रख रहे हैं, और पीछे देख सकते हैं वैष्णवी आ चुकी है, और साथ में कितना, क्या नाम है बाबू? और ये गुनगुन है, देख सकते हैं। क्या खा रहे हो दोनों, बताओ क्या खा रहे हो? हेलो कर दो, नमस्ते कर दो। हेलो नमस्ते पहलाग, कैसे हो बोलो, कैसे हो फ्रेंड, कैसे हो फ्रेंड बोलो बोलो। तो ये लॉलीपॉप किसने दिया है? कौन? माई दीदी ने। माई दीदी ने है, तो मेरे लिए नहीं लाई लॉलीपॉप? हाँ। नहीं ना। तो ये देख सकते हैं ये वैष्णवी है, तो जैसे कि मेरे ब्लॉगों में ये आते रहती है, और ये गुनगुन है। कहाँ जा रहे हो फिर बेटा तुम? अब हम घर अपने घर जा लियो। ये छोड़ने आई है आपको? हाँ। जाओ फिर, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय करो, शाबाश। और प्रियांशु खेल रहा है वो उधर बच्चों के साथ, देख सकते हैं शाम को सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे इधर आ, मैं कट्टा ले जाना, वो तो पकड़ कट्टा ले जाना, मैं धान का पैसे कहाँ है बाकी? वो विम्बार लाया, बाकी दे 100 रुपए का थोड़ा लाया होगा सब सामान। हाँ, 50 रुपए का विम्बार, मास्क और दवाई। मम्मी के लिए मैगी लाया, मम्मी ने मुझे मतलब 100 का नोट पूरा खत्म करके आ गया। अरे यार, कुछ खाया पिया थोड़ी यार। अरे तो मैं पूछ तो रहा हूँ क्या करा करके। 20 की दवाई, 30 का मास्क, हाँ, और वो 4 विम्बार दस वाले और एक मैगी। अच्छा चलिए, गाड़ी इधर रख दो, ही ले जाता हूँ। तो प्रियांशु सुबह बाजार गया था, तो पैसे ले गया था, तो उसी का हिसाब किताब पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि इसने वापस दिए नहीं, और मुझे भी पता नहीं है क्या क्या लेके आया, इसकी मम्मी ने मंगाए थे इससे, पता नहीं क्या क्या सामान मंगाया था। तो अभी चक्की में जा रहा हूँ, तो आटा पिसाई के लिए टूटे पैसे चाहिए, तो वही मैं इससे पूछ रहा था कहाँ गए पैसे, क्या करा। तो अभी देख सकते हैं गाड़ी निकाल दी है प्रियांशु ने, और अब रखता हूँ मैं कट्टा फटाफट और चलता हूँ चक्की में। तो अब मैं चलता हूँ चक्की में, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है और अंधेरा भी होने को है, तो आज का ब्लॉग करते हैं आप यहीं पर एंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बाय बाय।